गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज का हमारा टॉपिक है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है बेटा? वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस टाइम 10.6। सॉल्व द प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस टाइम 10.6 में। 1. अरुण गेव 5 बैलून्स ईच टू 3 फ्रेंड्स ऑन हिज बर्थडे। हाउ मैनी बैलून्स डिड ही गिव इन ऑल। क्या अरुण ने क्या किए? 5 बैलून्स दिए हर एक फ्रेंड को, ठीक है बेटा, ऑन हिज बर्थडे, अपने बर्थडे पर। हाउ मैनी बैलून्स डिड ही गिव इन ऑल, उसने सभी को कितने बैलून दिए बेटा? देन हमें कैसे मालूम होगा? जब हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम होगा कि वो अपने 3 फ्रेंड्स को 5 बैलून जो दिए हैं कितने दिए। तो कैसे मालूम होगा? जब हम 5 को 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15। ओके, आपका सेकेंड क्वेश्चन, अ कलर पेंसिल बॉक्स हैज़ 10 पेंसिल्स। पेंसिल कलर बॉक्स में, कलर बॉक्स का जो पेंसिल, उसमें कितने पेंसिल है बेटा? 10 पेंसिल है। हाउ मैनी पेंसिल्स विल देयर बी इन 4 बॉक्सेस। तो आप बताएंगे कि कितने पेंसिल होंगे 4 बॉक्सेस में। ओके, तो हम क्या करेंगे, 10 पेंसिल्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने बॉक्स, 4 बॉक्स में कितने पेंसिल है। ओके, तो 4 × 0 = 0। एक बात ये याद रखिए, जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा, और 1 से करेंगे जो हमारी इटसेल्फ वैल्यू रहेगी वो मिलता है, 1 × 4 = 4। ओके, तो 4 बॉक्स में कितने पेंसिल है बेटा? 10 पेंसिल्स हैं। ओके, आपके 4 बॉक्स, 1 बॉक्स में 10 पेंसिल दिए गए थे, 4 बॉक्स में कितने पेंसिल हो गए? 40 पेंसिल्स। ओके, थर्ड, 9 बिस्किट्स आर देयर इन अ ट्रे। इस ट्रे में कितने बिस्किट है बेटा? 9। हाउ मैनी बिस्किट विल देयर बी इन 4 सच ट्रे। तो आपके 4 जो ट्रे हैं उसमें कितने बिस्किट होंगे आपको कैसे मालूम चलेगा? तो आप हमें ये बताइए, आपको मालूम है कि 9 बिस्किट एक ट्रे में है, आपको ये पता करना है कि 4 ट्रे में कितने बिस्किट होंगे। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 4 × 9 = 36। 4 ट्रे में कितने बिस्किट है बेटा? 36 बिस्किट है। ओके, 20 बुक्स आर इन आ सेल्फ। आपके बुक, आपके सेल्फ में, एक सेल्फ में कितने बुक हैं बेटा? 20 बुक्स हैं, 20 किताबें हैं। हाउ मैनी बुक्स विल देयर बी इन 5 सेल्स। तो आपको बताना है कि 5 सेल्स में कितनी बुक्स होंगी। तो आप 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 5 = 5। 5 × 0 = 0। हमने आपको पहले बताया, कभी भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0। 5 × 2 = 10। ओके, तो 5 सेल्स में 100 बुक्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन अ वैन 5 चिल्ड्रन कैन सिट। इस वैन में 7 बच्चे बैठ सकते हैं। देन हाउ मैनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 5 वैन। तो 5 वैन में कितने बच्चे बैठ पाएंगे? आपको ये मालूम है कि एक वैन में 7 बच्चे बैठ रहे हैं, तो आपको ये पता करना है कि 5 वैन में कितने बच्चे बैठेंगे। देन आपको 7 × 5 करेंगे, देन आंसर आपको मालूम हो जाएगा। 5 × 7 = 35। 5 वैन में 35 स्टूडेंट बैठ सकते हैं आपके। देयर आर 7 फिश। यहाँ पे कितनी फिश है बेटा? 7 फिश एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम में कितने फिश हैं? 7 हैं। हाउ मैनी फिश कैन बी देयर इन 3 एक्वेरियम्स। तो 3 एक्वेरियम्स में कितने फिश होंगे बेटा? तो सिंपल से आपको जब आपको मल्टी मालूम करना है कितने हैं, देन आप 7 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 = 21। कितने? तो आपको ये मालूम चलेगा कि 3 एक्वेरियम में 21 फिश हैं। इस टाइप से आप प्रैक्टिस टाइम 10.1 को बुक में सॉल्व करेंगे बेटा।